लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास एक बड़ा सपना होता है, एक जुनून होता है। परंतु कई लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने से पहले ही अपना विचार त्याग देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही सीमित मात्रा में धन होता है जो व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, और कभी कभी किसी के पास धन होता ही नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करेंगे जिसमें धन की जरूरत या तो कम होगी या नहीं के बराबर होगी। नमस्कार दोस्तों, करियर्स एंड मनी चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले कुछ निशान को भी क्लिक करें जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं कि बिना धन लगाए या कम धन से व्यवसाय कैसे शुरू करें। सबसे पहले अपनी बिजनेस प्लान को लिखें और अपने रिसोर्सेज के अनुसार बजट तैयार करें। अंग्रेजी में कहते हैं द बिजनेस ऑफ बिजनेस इज बिजनेस, यानी कि बिजनेस शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट बिजनेस प्लान क्या है, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है। सरल शब्दों में कहें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस से धन कैसे कमाएंगे। उदाहरण के लिए आप इन फंडामेंटल प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। वह कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस है जिसमें आप डील करने जा रहे हैं? आपको प्रोडक्ट बनाने या सामान खरीदने या सर्विसेज को देने के लिए कितना खर्चा आएगा? आपके प्रोडक्ट या सर्विस का सेल्स प्राइस क्या होगा? किन तरीकों से आप अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में बेहतर और अधिक कॉम्पिटिटिव होने की योजना बना रहे हैं? दूसरे शब्दों में, आप अपने कंपटीशन को कैसे पीछे छोड़ने वाले हैं? आपको किस तरह के लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता पड़ सकती है? क्या यह कार्य आउटसोर्स भी किया जा सकता है? आपको किस तरह के इक्विपमेंट या हार्डवेयर या मशीनरी की आवश्यकता होगी? दूसरा, कॉम्पिटिटर और मार्केट दोनों का अध्ययन करें। एक बार आपको पिछले पॉइंट में दिए गए प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो आपको खास तौर से दो चीजों के लिए बाजार का अध्ययन करना होगा। पहला, बाजार का मिजाज महसूस करें, यानी कि मार्केट की पल्स को स्टडी करें। इसको मार्केट के साथ साथ कॉम्पिटिटर एनालिसिस स्टडी भी कहा जाता है। आपको जानना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, वे अपने प्रोडक्ट्स के लिए क्या चार्ज करते हैं या वे अपनी सर्विसेज कितने में बेचते हैं, उनके ऑफर्स के अगेंस्ट आपकी यूएसपी यानी कि उनसे अलग हटकर क्या ऑफर है। दूसरा आपको स्टडी करना है कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि कंज्यूमर के व्यवहार और उनकी प्राथमिकताओं का अध्ययन। आप अलग अलग बाजार और ग्राहकों के बारे में रिसर्च करें और यह जानने का प्रयास करें कि कौन कौन से व्यवसायों को सफलता मिलती है और किसको सफलता नहीं मिलती है। आइए अब तीसरी टिप की तरफ बढ़ते हैं, और वह है, अभी अपनी नौकरी या मौजूदा काम को मत छोड़िए। यदि आप पहली दो टिप्स पर बहुत सावधानी पूर्वक और परिश्रम के साथ काम कर चुके हैं तो आप व्यवसाय में आने और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके होंगे। लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, और आपको बहुत जोर देकर रिकमेंड किया जाता है कि अभी अपना वर्तमान काम जारी रखें। व्यापार करने में बहुत सारी अनसर्टिनिटीज और अचानक उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं, खास तौर से जो लोग व्यापार में नए होते हैं या वह बिजनेस ही नया है या वह लोग जो कि अभी एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें तो काफी मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जब आपके पास एक अश्योर्ड सोर्स ऑफ इनकम होगी, यानी कि आय का एक निश्चित स्रोत्र होगा, तो आपको ली गई उधारी चुकाने में टेंशन नहीं होगी।
चाहे आपकी अपने कस्टमर से पैसे जल्दी आए या देर से आए। साथ ही साथ मान लीजिए कि किसी कारणवश कोई लायबिलिटी भी खड़ी हो जाती है तो आप घबराएंगे नहीं। चौथी टिप है सेल सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज को बेचें। अपनी सर्विसेज को बेचना भी एक व्यवसाय शुरू करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है, जिसमें शुरू करने के लिए अधिक पूंजी नहीं लगती है। एक फिजिकल प्रोडक्ट की तुलना में इसमें कोई फिजिकल इन्वेंटरी नहीं है, यानी कि आपको अपनी दुकान पर माल रखने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई लागत भी नहीं लगती, इसमें वेंडर का कोई भुगतान भी नहीं करना पड़ता है और चोरी या बर्बादी का भी कोई डर नहीं होता है। ऐसी कई तरह की सेवाएं हैं जिन्हें आप दूसरों को ऑफर कर सकते हैं और ये सेवाएं आपकी बैकग्राउंड यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर, आपकी रुचियों के आधार पर और आपके कंज्यूमर सेगमेंट के टारगेट पर आधारित होती हैं। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप किसी एकेडमिक सब्जेक्ट में अच्छे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि, तो आप इन विषयों पर होम ट्यूटर के साथ साथ ऑनलाइन ट्यूटर के रूप में भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और फिर आप आगे चलकर अपना खुद का भी कोचिंग सेंटर बना सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आपका खुद का कोचिंग सेंटर होगा तो आप वहां पर अन्य ट्यूटर्स को भी नियुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी आय और भी अधिक बढ़ने लगेगी। अन्य और भी उदाहरण हो सकते हैं जिसकी आप सेवाएं दे सकते हैं, जैसे कि टेक सपोर्ट, वेबसाइट मेकिंग, एसईओ सर्विस, मार्केट रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि इत्यादि। अपने लोकल एरिया में सर्विस देने के अलावा आप इंटरनेट पर कुछ स्पेशलाइज साइट्स का भी उपयोग कर सकते हैं और अपनी सेवाएं ऑनलाइन बेच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इनमें से कुछ जानी पहचानी साइट्स हैं फाइवर, चेक, मेरिटनेशन, वेदांतु, यूडेमी इत्यादि। पांचवी टिप है कि प्रोडक्ट्स की रीसेलिंग करें। यदि आप सर्विसेज बिजनेस में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए और भी दिलचस्प विकल्प मौजूद हैं और इसमें अपने व्यवसाय में आने के लिए ज्यादा धन भी नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग पहले से ही तैयार प्रोडक्ट को दोबारा से बेचकर इस व्यवसाय में सफल हो गए हैं। यह व्यवसाय विभिन्न तरीकों या चैनलों के माध्यम से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप कारों को बहुत पसंद करते हैं, बाइक्स को बहुत पसंद करते हैं, तो आप जिन लोगों के पास पुरानी कार है या बाइक है उन्हें अच्छी डील देकर वह कार दूसरे व्यक्ति को बेचकर अच्छी कमीशन अर्न कर सकते हैं। गाड़ियां और बाइक के अलावा आप और भी कई प्रोडक्ट रीसेल कर सकते हैं, जैसे जड़ी बूटियां, एंटीक आइटम्स, फर्नीचर आदि आदि। और आजकल तो इनको आप फ्ली मार्केट और गैरेज सेल के माध्यम से भी बेच सकते हैं और ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। छठी टिप है कुछ बनाकर बेचिए। जी हां, कुछ प्रोडक्ट को अगर आप खुद बना सकते हैं तो शुरुआत में आपको सिर्फ छोटा सा घर में बनाने की जगह पैदा करनी होगी। इसमें इन्वेस्टमेंट और जोखिम दोनों ही कम होंगे और आप इसे बेच सकते हैं ऑनलाइन, जैसे ईबे पर, फेसबुक स्टोर पर या आपकी अपनी वेबसाइट या ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट्स। अब इसमें उदाहरण अगर आप पूछें तो होगा लंच या डिनर पैक्स, केक्स, हैंडमेड एक्सेसरीज इत्यादि। इन आइटम्स की एक कस्टमाइज लिस्ट बनाकर आप ग्राहकों को और विकल्प दे सकते हैं और ये आपके व्यवसाय को बढ़ने में बहुत सहायक होगी। सातवीं टिप है बार्टर। अब आपको व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए होंगे, हार्डवेयर चाहिए होंगे, कुछ जगह की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप एक अच्छे लेखक हैं या अच्छे गायक हैं और आपने फैसला किया कि आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके अपने बिजनेस को करेंगे, तो जिसके लिए आप फाइवर पर कुछ गाने कंपोज करके, कुछ जिंगल्स कंपोज करके बेच सकते हैं। पर इसके लिए आपको अच्छा कंप्यूटर, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आदि की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि आप अपने घर से पैसे बाहर निकालें,
हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें पड़ी हों जिसका अभी आप बहुत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि आपके पास पुराना टीवी हो, पुरानी साइकिल हो, जब आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको देकर उसके बदले में आप एक लैपटॉप या गिटार या कीबोर्ड वगैरह ले सकते हैं। आठवीं टिप है, कम खर्चे वाली सेवाओं का उपयोग करें। हम इस बात से सहमत हैं कि कुछ ऐसी सेवाएं होंगी जिनके लिए आपको भुगतान अवश्य करना पड़ेगा, हालांकि इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कम से कम कीमत और अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि आपका लोगो डिजाइन करना, जैसे कि आपका लेटर हेड डिजाइन करना। तो इसके लिए आप फाइवर या स्किल पेजेस साइट्स पर जा सकते हैं, अपने लिए विजिटिंग कार्ड, मार्केटिंग कैंपेन, वीडियोस, राइटअप वगैरह बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर आप पा सकते हैं। नवी टिप है, प्राइवेट फाइनेंसर या इन्वेस्टर को खोजें। भाई आजकल तो जमाना ही इन्वेस्टमेंट का है, तो ये स्पष्ट है कि शुरुआती दौर पर आपको थोड़ा बहुत धन तो चाहिए होगा और बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आगे बढ़कर आपकी मदद नहीं करेगी शायद। इसलिए कोई मित्र, धनी रिश्तेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते नहीं हैं पर वो आपके बिजनेस में निवेश करना चाहता है और बदले में आप उनको कुछ अट्रैक्टिव ऑफर दे सकते हैं। अब आपके पास एक प्रेजेंटेशन होना जरूरी है जहां पर आप एक बढ़िया प्रेजेंटेशन देकर अपने व्यापार का मॉडल उनको समझा सके। इसलिए जरूरी है कि आपका मॉडल बहुत ही ठोस हो, बस लोग तैयार हैं आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मित्रों, कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले एक क्रिएटिविटी की मदद लीजिए। आप जो भी काम करेंगे उसके लिए जुनून होना जरूरी है। आपको अपने बिजनेस आइडिया में मजबूती से विश्वास होना चाहिए और रिसोर्सेस को अपनी ओर आकर्षित करने की ताकत। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और करते रहेंगे, उनको देखते रहिए और इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले निशान को भी क्लिक करें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।